अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो? रहा आज हम आ गए फिर एक नई वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहले की तरह, फिर से हम उतरेंगे स्कूल में क्योंकि स्कूल हमारी फेवरेट जगह है। और आज जो आपके भाई ने किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि ना आपके भाई, मैं नूब हूँ, मैं मानता हूँ मैं नूब हूँ, पर आज इस नूब ने ना अकेले ही ना दो स्कॉट्स को ना मार दिया। पता नहीं उनको मैं नज़र नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने उसको मार दिया। दोनों स्कॉट्स को मैंने ना अकेले मारा। वो कैसे मारा आप खुद देखें। ये देखें, ये एक स्कॉट हमारे साथ आ रही थी पर वो नीचे चली गई, और ये साथ वाले सिटी में जाके हम फाइट लेंगे। तब तक हम यहाँ से सारे लूट मार के वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी स्कूल उतरना है ना, स्कूल हमारी फेवरेट जगह है। तो यहाँ पे हम उतर आए और यहाँ से दूसरी सिटी में अब वो टीम भी जो है ना, वो जो स्क्वाड है वो भी फाइट ले रही है। हमने कहा भाई यहाँ से पहले हम करेंगे लूट वूट, भाई लूट बहुत ज़रूरी है, लूट नहीं करेंगे तो गेम कैसे बनेगी। तो यहाँ से पेप्सी उठा लेंगे क्योंकि पेप्सी जान है हमारी, पेप्सी हमारी जान है। हम वैसे रैंडम खेल रहे थे वापस से, क्योंकि भाई सोलो खेलने में ना मज़ा, मैं आपको शायद आता हो या ना आता हो, मुझे सोलो खेलने में मज़ा आता है पर रैंडम खेलने में भी आता है। मैं अगला गेम प्ले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सोलो में खेल के दिखाऊंगा। यहाँ से फायरिंग हो रही थी, ये पता नहीं बॉट भाई कहाँ से आ जाते हैं। इनको पबजी में पता नहीं लूट के लिए खजाना जो होता है ना, खजाना वो लेने के लिए भेजा होता है। यहाँ पे हमें स्कोप्स मिल गए इतने सारे, इतने स्कोप तो मैं दुकानों पर भेजूँ अमीर हो जाऊँगा मैं तो। मैं स्पॉट करके देख रहा था कि वो स्कॉट कहाँ कहाँ पे हैं। ये भाई साहब को देखो, कपड़े देखो, ये नागिन वाले इसने कपड़े पहने हुए हैं। ये देखो कपड़े पहनने के लिए, तो ऐसे कपड़े पहनने के लिए ऐसे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और भाई साहब को देखो कितना छुप छुप के, ये देखो बड़ा तरस आया ना इसके ऊपर। भाई साहब ने इतने जंप मार 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 के ऊपर चढ़े और उतरते ही देखो मेरी स्कारर के नाक के नीचे आ गया। देखो कितनी चलाकी कर रहा है, ये कितनी मासूमियत से मरा है ना। अब यहाँ हम करेंगे इस भाई को फिनिश। इसका नाम देखो बीटा, पता नहीं कैसा नाम है इसका। और यहाँ से इसके एमओ वैमो हीलिंग सब कुछ उठा लेंगे। भाई एमओ जितनी भी हो ना कम है। इसका सूट भी पहन लेंगे यार, इसको मारे हक है ना अपना सूट पहनने का। फिर एक तो बेचारा इतने भाग भाग के ऊपर चढ़ा है, एनिमी ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं जैसे पता नहीं ऊपर इनको ना विन विन चिकन डिनर मिल जाए, ऊपर चिकन डिनर पड़ो ऐसे भागते हैं। और मिलता क्या है, ये सूट जो कि लेवल वन की शील्ड भी नहीं देता। यहाँ से हम उठाएंगे आप बग्गी और चलेंगे उस स्कॉट की तरफ। देख लो मैं अपनी टीम के साथ नहीं खेलता, मुझे पर रैंडम खेलने में मज़ा आता है। हम बातें करते हैं, मजाक करते हैं, मुझे रैंडम खेलने में मज़ा आता है, पर मैं अपनी स्क्वाड के साथ बिल्कुल, वो मेरे साथ आ जाएं तो आ जाएं पर मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं खेलता। हेल्थ किट मिल गई भाई साहब। ये लूट आजकल पबजी लाइट में बहुत कम हो गई है, जहाँ पे मिले बस दोनों हाथों से लूटो। ये देखो लाइसेंस नहीं लिया आपके भाई ने, ऐसे कार चलाने आ जाते हैं।
और जी यहाँ पे आप हो रहे थे उन स्कॉट्स की लड़ाई, और आके हमने आके थर्ड पार्टी कर दी। अरे पहले बोट भैया, इनका दर्शन तो पहले ही है, ये तो कहे डारसिया जा रही है। अब गिनते रहना मैंने कितने बंदों को मारा। मैं स्मोक करूँगा कि भाई उनका ध्यान यहाँ पे हो और मैं दूसरी साइड से उनको मार सकूँ। जहाँ आप स्मोक करते हैं आपको लगता है कि आप महफूज हैं, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। एनिमी उधर ही स्पॉट हो जाता है, बिल्कुल उधर हो जाता है। या आप रहें स्मोक के पीछे, रहें अंदर ना रहें स्मोक के। ये भाई साहब को देखो, ये रोटेट करके आ रहा था मुझे मारने के लिए। देखो नागिन बन गया एकदम से, गोलियां पड़ी हैं भाई साहब के, नागिन बन गया उसी वक्त। और इस भाई को देखो, उसको रिवीव देने जा रहे हैं। नहीं भैया आप, हमने तो आपको देखा ही नहीं। नहीं नहीं आप जाएँ रिवीव देने। हमारी M416 ने ऐसे आपको तंग किया। और ये भाई साहब को भी देखो, ये भाई साहब भी रिवीव देने पहुँच रहा है। नहीं नहीं भाई आप जाएं, मैंने कहा रोका है आपको। हाँ आप पहुंच जाएं। और इस भाई साहब को ये नॉक ही नहीं हुआ, सीधा ऊपर की टिकट कटा ली भाई साहब ने। तो ये देखो लाशें लाशें बिछा दी आपके भाई ने। जब मैंने ऐसा किया ना तो बस मैं अपने अंदर से ना खुश हो रहा था, इतना खुश है कि बस मैं अपने आप को ना क्या कहूँ, मैं ऐसे मान रहा था कि भाई आपके भाई ने ना पूरे 50 किल कर लियो। ये देखो ये भाई नागिन नाग बन के ना अपने आप को बूस्ट मार रहा था। देखो हमारे पास level 1 है, उन सब के पास, आप हर किसी के पास देख लो level 3 है। नहीं हम यहाँ पबजी में ना बस मरने आते हैं ना, हमें level 3 का पता ही नहीं है। अब इनके पास उठाएंगे level 3 पर होगा, देखो ये देखो डैमेज। यहाँ से उठा लेंगे AKM, क्योंकि भाई M416 और AKM ये दोनों बेस्ट गन है ऑटो में। आपको जहाँ भी मिले आप उठा लो, बेस्ट गन है ये। देखो ये भाई सब हैरान हो गया कि भाई हुआ क्या, क्या लाशें लाशें क्या हुआ है। अभी उस भाई साहब को पता ही लग रहा था कि बस प्रो बड़ी भाई ने ना पीछे से मार दी इसके पीछे वाली गोलियां। और ये देखो बोट भाई, डेथ पोल क्या नाम है इनका। ये देखो कैसे लाशें बिछा दी आपके भाई ने, रिंग रिंग के चल रहे हैं अभी भी बंदे। और जो अभी आपके प्रॉपर्टी भाई के साथ होने वाला है ना, आपको देख के अफसोस होएगा पर मुझे भी बहुत हुआ कि यार ये देखो बंदे ने इतनी मेहनत से गेम बनाई और आखिर उसके साथ हुआ क्या है। यहाँ पे हम जरा लाशों का जनाजा पढ़ने आए कि भाई कोई हो ना इनके साथ भी, तो यहाँ पे हम इनका थोड़ा दुख बांटेंगे। फिर इनका डब्बा लूटेंगे, इज्जत इज्जत से, इज्जत और शान से भाई उनका हक बनता है, उन्होंने हमें अपनी जान दी। उल्टा हम उनसे उनकी लूट ले रहे हैं, बदले उन्होंने हमें जान दी। नहीं भाई नहीं, जान कम है लूट भी साथ दें भाई साहब हमें। यहाँ से सब भाई साहबों के डब्बों का हमने जायज़ा लिया, यहाँ भी कितना कितना मार रखो। ये देखो फ्लेयर मिली, मैं अंदर से इतना खुश हुआ, मैंने कहा बस भाई अब ये देखो एमओ ही नहीं है। अब ये देखो ऐसे सीना तान के आपका भाई जा रहा है। भाई साहब 11 किल कर लिए,
सीना तान के। लाइक आप भी अगर ज़्यादा किल कर लो आपको भी अंदर से खुशी होती है ना कि बस आज मेरे नाम ही चिकन डिनर है। नहीं पर ऐसा होता नहीं है, आपको एंड तक ना एनिमी की ना जगहों का पता होना चाहिए कि एनिमी यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, और दूर दूर से आप उनको ना स्प्रे पहुँचाएँ। पर नहीं भाई आज तो हमें लालच आई थी, और लालच अच्छी बला होती है। आज मेरे साथ लालच बुरी बला करेगी है, वैसे मेरे साथ अच्छी ही होती है। यहाँ पे इस घर में ना एक स्कॉट ठहरी हुई थी, मैंने उनको स्प्रे देने की कोशिश की पर शिक्षक पता नहीं क्यों इतना हिल रहा था। और ये देखो एक ये भाई साहब जा रहे हैं जीप लेके, जाके बोट को मन लग जाएंगे। भाई मैं तो यहाँ पे हूँ, बोट का क्या कसूर है, उसने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। ये देखो कार चढ़ा दी उसके ऊपर। नहीं मैं इसको मैं नहीं मारूँ, मैं आज इसको मार के रहूँगा। तूने मारा क्यों इसको, मेरे होते बोट को सिर्फ मैं मार सकता हूँ। भाई बोट ने मुझे लाइसेंस दिया ना। ये देखो ये बग्गी वाले, ये पता नहीं आई क्यों थे इस गेम में। अब मैं इनके पीछे ठहरूँ इनको स्पॉट करने के लिए कि भाई इनको मारूँ, और बस फिर आपके प्रॉपर्टी भाई यहाँ पे ना। आप खुद ही देखो मैं आप क्या बोलूँ आपसे, मैं खुद ही इतना अफसोस हो गया। ये देखो कैसे सीना तान के आ रहे हैं, ये देखो चलो तो यहाँ पे अब हमारा गेम ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखो यार आपके भाई ने इतनी मेहनत की है, और यहाँ आप अपना शुरू करते हैं TDM, जो आप हम सिर्फ करेंगे मिसाल जो होते हैं ना PG और पता नहीं, उससे हम आज का जो होगा ना TDM वो करेंगे। मतलब कि ओनली वो नहीं होएगा, साथ में गन्स भी होंगी, क्योंकि भाई वो कभी कभी मिलता है। और इस TDM में भी आज हमारा इतना लक नहीं चला कि भाई हम MVP तो बने हैं, मतलब कि बहुत कम किल के साथ बने हैं। ये देखो भाई साहब मैं देख रहा हूँ कहाँ गया वो भाई साहब, मेरे पाँव में गिरा हुआ था, नीचे वाली गोलियां मारी उसने मुझे। अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारा मिसाइल नहीं पड़ा, तो फिर हमने कहा चलो अभी भी गेम कंटिन्यू करते हैं इसी से इसी गन से। ये देखो एक को मारो दूसरा, नहीं भाई फेस टू फेस आके लड़ो ना, एक को मारते हैं दूसरा पीछे से हमें मार देता, जाती है ना फिर हम करें आप क्यों करते हो जाती। यहाँ से भाई साहब को फिर से टपकाया, तो ये देखो इसको थोड़ा सा स्प्रे दिया, ये डर के भाग गया। ये देखो इसको ही मारता ना ऊपर चढ़ता है, इसने बदला लिया मुझसे। अब हम भी तो लेंगे ना फिर बदला, ये बात ठीक नहीं है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है मिसाइल जो कि बहुत अच्छी बात है, इसे हम अपना चैलेंज अब पूरा करेंगे। आपका भाई स्नैपिंग और मिसाइल में ना फास्ट मैं कहता हूँ जैसे नूब होता है ना, नूब से भी नीचे आपका भाई सिर्फ ऑटो चलाने में है। और ये देखो बदला ले लिया मैंने भी, आओ हमें मारोगे तो हम भी मिसाइल से आपको मारेंगे, आप बंदूक चलाओ हम मिसाइल से आपको मारेंगे। और ये देखो फिर से ये वही ग्रेनेड डाल दी थी हमें। ओ देखो ये फिर से निकल रही थी, अब वो भी मुझसे माफ़ी मांगने ही आ रही होगी। नहीं मैंने आपको, ओ देखो पीछे से भाई साहब कहाँ से आ गए, अचानक से आके डरा दिया इसने। अब
वापस पहुंचेंगे, देखेंगे हमारा मिजाज और वहां पे पड़ा होगा फिर से हमारा मिजाज, तो खुशी से उठाएंगे अपना मिजाज। ये देखो किल चोर, डैमेज मेरा रहा भाई साहब, किल चोर इसने कर दिया। टीडीएम खेलने का अपना एक मज़ा होता है, एनिमी कहाँ से आ जाए। इससे आप टीडीएम ज़्यादा खेला करें, इससे पता लग जाता है आपको ना, प्रैक्टिस होती रहती है कि भाई आपने कैसे करना है, एनिमी को कैसे उसको पागल करके आपने उसको मारना है, आपको ये पता लग जाएगा। टीडीएम आप ज़्यादा खेला करें, अगर आप नूब हैं, वैसे मैं भी हूँ, मतलब कि अगर आप बहुत कम खेलते हैं और आप बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, तो आप ये किया करें कि प्रैक्टिस करें पहले, तो पहले आप टीडीएम खेलने की, टीडीएम में ना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, इतनी के वार में नहीं होती ना किसी और में होती है, ये सिर्फ टीडीएम में आपकी होती है। आप ज़्यादा टीडीएम खेला करें। ये हमारे घर में आके हमें मारा, भाई क्या कर रहा, आपको कहा किसने हमारे घर में, चलो शाबाश। यहाँ पे हमारे 35 और उनके 20 हो गए हैं, अब वापस जाएंगे हम अपना मिजाज देखने। और ये देखो उन्होंने अब चला के किया ओम रख दिया, और स्नैपिंग में हम, ये देखो हमारा भाई हमें ग्रेनेड मार दिया, दिल तो किए इसको हम भी हम ग्रेनेड मारें, पर क्या नहीं यार ऐसे है, सही नहीं आएगा वो दूर, रेड टीम हमारे ना फिर मुकाबिल में आ जाएगी। फ्रेंडा का भी गलती हो जाती है, ये देखो उसको मारा पीछे से, ये वही आंटी आ गई। मैंने यहाँ पे रैंडम नेट किया कि भाई फट जाए उनके पीछे जाके। ये भाई साहब को देखो ऐसे गुस्से में आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। एक और किल कर ले मेरे ख्याल, तू हमें बन जाएगा लास्ट किल, ये तू कर ले। यहाँ पे हमें फिर से मिलती है विक्ट्री। देखो यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें बड़ी मुश्किल हुई पर आपके लिए हमें चैलेंज करने पड़ते हैं।